हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टॉलीवुड अपडेट्स। तो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंड टीवी के शो घर एक मंदिर के बारे में। तो गाइज, ये शो स्टार्ट हुआ था अगस्त 2021 में, ज़्यादा देर हुई नहीं है इसको स्टार्ट हुए हुए। अक्षय म्हात्रे और श्रेणु पारेख इस शो में प्ले किया करते हैं मेन लीड्स। तो गाइज, ये शो एन टी वी पे आता है और ये शो काफ़ी जल्द ऑफ एयर जाने वाला है। ऑफ एयर कैसे होगा और सारी डिटेल्स आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हम बात कर लें कि ये शो ऑफ एयर कब जाएगा। तो गाइज, ऑफ एयर ये जाएगा नेक्स्ट मंथ, या तो फरवरी के एंड में जाएगा या फिर मार्च की स्टार्टिंग में। तो ये तो है टाइम जब ये शो बंद हो जाएगा, यानी कि एनटीवी पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। लास्ट एपिसोड जो है वो काफ़ी जल्द आपको इसका टीवी पर देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करें कि ये शो बंद क्यों हो रहा है। तो गाइज़, वैसे तो ये क्वेश्चन कुछ पूछने वाला है नहीं, शो की जो टीआरपी है वो काफ़ी ज़्यादा लो है, लेकिन एनटीवी पर तो सारे ही शोज़ की टीआरपी हमेशा लो ही होती है। तो 0.2 टीआरपी वाले शोज़ भी एनटीवी पे अगर चल रहे हैं तो ये 0.3 या 0.2 वाले, इस शो को ही बंद क्यों किया जा रहा है? तो इसका रीज़न ये है कि इसका बजट जो है वो दूसरे और भाई क्या चल रहा है से ज़्यादा है। तो इतने ज़्यादा बजट पे अगर टीआरपी 0.2 या 0.3 ही आ रही है तो ऑब्वियसली चैनल को शो को एंड करना पड़ेगा। लेकिन इसमें गलती शो की नहीं है या फिर मेकर्स की नहीं है, गलती है चैनल की। चैनल एंड टीवी जो है, ज़्यादातर लोग इसको देखते नहीं है, ज़्यादातर लोग इसको सिर्फ भाभी जी घर पर हैं के चैनल से जानते हैं। दूसरे शोज जो हैं उनको अटेंशन उतनी नहीं मिल पाती। इसमें कहीं ना कहीं एनटीवी का भी हाथ है, बिकॉज़ वो अच्छी तरह से मार्केटिंग नहीं करते हैं अपने शोज़ की। और मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो एनटीवी को प्रॉपरली रिवैम्प करना चाहिए, अपना चैनल लोगो वगैरह बदलना चाहिए, टैगलाइन बदलनी चाहिए और एक नया सेट ऑफ शोज़ लाने चाहिए। भाभी जी घर पर हैं तो हिट है, बाकी बी आर अम्बेडकर और हप्पू भी सही टीआरपी लाते हैं। बाकी शोज़ को बंद करके उन्हें एक नए सेट ऑफ शोज़ लाने चाहिए जिनकी मार्केटिंग ब्रांडिंग वगैरह ढंग से करनी चाहिए। रीवैम्प काफ़ी ज़्यादा शो किसी एक चैनल को बचा सकता है, तो एनटीवी को डेफिनेटली ये सब करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करते हैं मार्केटिंग वगैरह भी शो की ढंग से। तो शोज़ ऑलमोस्ट जो हैं बंद हो जाते हैं आकर। इवन भाभी जी हप्पू जो कि अच्छे टीआरपी, आई मीन 0.4 टीआरपी लेकर आते हैं, जो कि ऑनलाइन वैसे पॉपुलर हैं, वो भी टीवी पर ज़्यादातर नहीं देखे जाते हुए। तो ये सब एनटीवी की ही फॉल्ट है। एनीवेज़, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसेंगे उस सब में, लेकिन इस वीडियो में हमने जो बात करनी थी वो ये थी कि ये शो ऑफ एयर जा रहा है, काफ़ी जल्द ऑफ एयर जाएगा, और इसका रीज़न ये है बजट ज़्यादा है, टीआरपी लो है, जिसके कारण शो को बंद करना पड़ रहा है। अब हम बात करें कि ये शो बंद कैसे हुआ, यानी कि किस तरह की एंडिंग इस शो को मिलने वाली है। तो गाइज़, इस शो की एंडिंग ऐसी होगी जो फैंस हैं वो डेफिनेटली सेटिस्फाई हो जाएंगे। एक प्रॉपर आपको कोर्ट रूम ड्रामा एंड में देखने को मिलेगा, घर एक मंदिर के लास्ट एपिसोड्स में, फाइनल एपिसोड्स में। तो कोर्ट रूम में शो बंद होगा, एंडिंग ऐसे मिलेगी जो गेंदा है वो वेदांत के साथ मिल जाता है, जो कि सिद्धांत सिन्हा का डुप्लीकेट है, बिकॉज सिद्धांत सिन्हा तो जेल में है। तो गाइज़, वो केस को लड़ते हैं और एंड में संध्या को प्रॉपर जस्टिस मिल जाता है, जिस जस्टिस के लिए वो इतनी ज़्यादा देर से लड़ रही है। तो कोर्ट रूम ड्रामा में शो एंड होगा, शो को एक सेटिस्फाइंग एंडिंग मिलेगी, प्रॉपर एंडिंग मिलेगी, और एब्रप्टली शो को बंद नहीं किया जा रहा है। तो अगर आप इस शो के फ़ैन हैं, कमेंट्स में बताइए आपकी क्या राय है इस न्यूज़ पर। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए घर के मंदिर के फैंस के साथ। और गाइज़, ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल पे ज़रूर दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी ऐसे अपडेट्स डालूँ आप तक वीडियोज़ पहुँचते रहें, आप किसी भी अपडेट को मिस ना करें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।